देखो लीरिंग, ये देखो अबे भाई ये मेरा मोबाइल हो चुका है खराब, जिस कारण से रील्स व्हील्स फो। लेकिन कुछ कुछ पुलिस वाले जो है ना भाई दादागिरी करते हैं भाई। यार देखो तीसरी तेल भाई कितनी चल गई भाई बाइक बताओ। डब्बे के तेल से ही काम चलाना पड़ेगा भाई, देखो सूखा पड़ा हुआ भाई हमारा गाड़ी का टैंकी। हे वेलकम बैक गाइस अनदर वीडियो। एज यूजुअल हमारे बाइक में आज फिर आप लोगों को तेल नहीं मिलेगा, और यहाँ पे भाई दूर दूर तक भाई पेट्रोल पंप भी नहीं मिलने वाला है। इस मौसम में ना भाई वीडियो बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है यार, कि वीडियो बनाऊँ कि ना बनाऊँ, क्या करूँ क्या ना करूँ, खास कि जब भाई व्यू नहीं आ रहा, जैसे हम लोग का भाई व्यू तो आता नहीं भाई, आप लोग शेयर मारते नहीं हो भाई तो व्यू किस तरह आएगा। अबे तेल ख़त्म हो गया क्या? अरे भाई तो यार मैं ये बोल रहा था ना भाई कि ये मेरी जो बाइक है ना भाई, कभी कभी मेरे को लगता है कि यार ये स्पेंडर से भी ज़्यादा भाई माइलेज निकाल देती है यार, कसम से बोल रहा हूँ यार। अभी जब मैं घर से आया था तो एकदम इतना सा तेल था, इतनी सी भाई इतनी सी तेल, बोल रहा हूँ ना भाई ये गाड़ी भाई तेल के मामले में दिल खुश कर देती। इसको भाई पार करने दे भाई, पहले रुक जा भाई, सारा बड़ा गंदा रास्ता भाई ये। 220 सीसी होने के बाद भी भाई इतनी ज़्यादा माइलेज निकालती है ना भाई, भाई पूछना ही मत यार, आप दिल खुश कर देती है। बस एक चीज़ से ही हमार खाती भाई, एक चीज़ वो इसका कंट्रोलिंग को लेकर भाई, कंट्रोलिंग तो कुछ है ही नहीं यार। अब गाड़ी स्पीड चलाओगे ना तब पता चलेगा भाई। गाइस ये आ गया खौफनाक जगह जहाँ पे लोगों को बांध के मारा जाता है, ये खौफनाक जगह देख रहे हो, जंगल ही जंगल भाई। चलो भाई थैंक्स थैंक्स मैन, बाइक हमारा भाई इसे कैसे लीजेंड बाइक यार, मतलब दिल खुश कर देता बाइक भाई माइलेज के बारे में। यार देखो तीसरी तेल भाई कितनी चल गई भाई बाइक बताओ। आ गए हम लोग भाई NH पे, NH नहीं बोल सकते हैं भाई, NH तो है नहीं भाई, ये स्टेट हाईवे बोल सकते हैं। पेट्रोल पंप बंद है क्या? अबे लौड़ो दिमाग ख़राब हो गया यार, मूड ऑफ हो गया भाई ये तो। चलो भाई अभी डब्बे के तेल से ही काम चलाना पड़ेगा भाई, देखो सूखा पड़ा हुआ भाई हमारा गाड़ी का टैंकी। यार ये तो पेट्रोल पंप वाले ने धोखा दे दिया भाई, ये तो डब्बे वाले तेल ने बचा लिया भाई। मैंने गाड़ी में तेल भी नहीं लिया था, मैं सोचा था चलो भाई पेट्रोल पंप पे ले लूँगा, बट यहाँ पर आने के बाद तो अलग ही सीन हो गया यार। ये बाइक चलाने के बाद भाई मन खुश हो गया था भाई, जो पिकअप इस बाइक में है ना यार, वही यार कंट्रोलिंग नहीं है ना भाई, तो स्पीड ज़्यादा मैं ले नहीं खींच सकता भाई बाइक को। तो भाई क्या बोलूँ मैं यार आप लोग, यार आप लोगों को पता ही है कि मेरा मोबाइल हो चुका है ख़राब, जिस कारण से रील्स व्हील्स फ़ोटो वोटो कुछ भी अपना इंस्टा पे अपलोड नहीं हो पा रहा भाई। यार मतलब आदमी बिना खाए दो दिन रह सकता है भाई, बट बिना मोबाइल के भाई मतलब घंटों भर रहना इतना ज़्यादा डिफिकल्ट है ना कि क्या ही बोलूँ यार मैं आप लोग को। फिर मैं कल जाके दरभंगा में कल गया हूँ भाई, तो बोला भाई मोबाइल ही ठीक नहीं होगा आपके भाई, बताओ यार कम से कम रिस्पॉन्स तो देना था ना भाई कि मोबाइल ठीक होगा कि नहीं होगा। यार ऐसे ऐसे लोग हैं यार, क्या बोलूँ यार, पता क्या सीन हो गया भाई। कल मैं निकला था कि चलो मैं जा रहा हूँ वीडियो भी शूट कर लूँगा, जाते जाते मोटो ब्लॉगर के साथ यार पता नहीं क्यों ये चोचला होता है यार, मेरा कैमरा आ गया, हेलमेट आ गया, माइक आ गया, इसका माइक एडेप्टर ही मैं भूल गया लाना भाई GoPro का। और कुछ और मैं प्लानिंग कर रहा हूँ आप लोग के लिए भाई, कि टूरिंग वूरिंग के लिए हमारे पास कुछ उस तरह की बाइक है नहीं। देखो भाई बाइक ये भी ज़बरदस्त है, ऐसा नहीं कि बाइक नहीं है, बट इसमें उतना कंट्रोलिंग नहीं है कि मैं लंबे टूर पे इसको लेके जा सकूँ। अपने पास पल्सर NS है, मैं उसको भी सेल करने के बारे में सोच रहा हूँ, जो अगर लेना चाहते हैं तो काम मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, वो बाइक मैं अभी बहुत जल्द सेल करने वाला हूँ। भी हटके गाड़ी लेने वाला हूँ भाई, जिसमें भाई पावर थोड़ा कम चलेगा भाई, बट कंट्रोलिंग होना मस्ट है भाई, वो बाइक मैं अभी लेने वाला हूँ। बट देखो क्या होता है भाई, हम लोग भाई मिडिल क्लास लोग हैं भाई, एक चीज़ लेने के लिए भाई कितना सोचना पड़ता है भाई, आगे पीछे सारा कुछ बहुत देखना पड़ता है यार। बट कोई नहीं भाई, गोल अपना सेट है, इंशाल्लाह मेहनत चल रहा है, तो गाड़ी तो आना आना है, कोई अच्छी बाइक ज़रूर लेने वाला हूँ मैं बहुत जल्द। बस आप लोग इसी तरह प्यार सपोर्ट बना के रखें। आराम से मेरी जान हमेशा भागने के लिए तैयार रहती है भाई, ये भाई कितना इसमें पावर है भाई। पेट्रोल पंप से बंद पड़ा हुआ यार, अरे मेरा भाई यार, बे यार वहाँ पे सही उन्होंने कहा था भाई कि तेल ही नहीं आ रहा भाई, तेल महंगा हो गया यार, तो गाड़ी किस तरह चलेगा भाई, अपना ब्लॉग किस तरह आएगा यार, और अब मोटर ब्लॉगिंग बंद करना पड़ेगा फिर यार। तो भाई यहाँ पे लीन करने में जब मज़ा आता ना भाई, ये देखो लीनिंग, बट इसमें ज़्यादा नहीं करता हूँ ना भाई, पता है कि बजाज है भाई। भाई जो लोग अभी तक इंस्टा भी फॉलो नहीं करो भाई, जाके जल्दी से जल्दी फॉलो करो भाई, क्या कर रहे हो आप लोग भाई, जल्द जाओ फॉलो करो, बढ़िया बढ़िया रील्स फोटो आ रही है अपने इंस्टा पे। हाँ अभी कुछ समय से नहीं आ रहा होगा, पता है ना आप लोग को मेरा मोबाइल हो गया ख़राब, माँ बाप के अलावा अगर कोई चीज़ है जो मेरे को धोखा नहीं दिया तो ये मेरी बाइक, आज तक मेरे को धोखा नहीं दिया भाई आज तक।
देखो लीरिंग ही देखो बे भाई। अब इसमें से कौन सी बाइक आएगी मेरे को भी पता नहीं है, आप लोग सजेस्ट करना कौन सा लेना चाहिए। बाकी भाई अभी मैं ट्रायल के लिए आया हूँ, दो चार बाइक ट्रायल करूँगा फिर कुछ बोलूँगा। क्या बात है भाई, नहीं भाई मक्खन बाइक भाई, लिटरली बता रहा हूँ मक्खन चल रहा है यार। ये तो क्यूब सीटर जो कमाल कर रहा ना भाई, वो तो 390 भी फेल है भाई क्यूब सीटर के इसके आगे भाई। बाइक की चलो मैं बात करता हूँ, तो बाइक जैसा सब लोग बोलते हैं एज यूजल भाई कि पिलियन में तो प्रॉब्लम होता है भाई, उतना आपको पिकअप नहीं मिलेगा पिलियन में, पावर अंडर पावर फील होगा पिलियन में, इसी में फील कर लिया भाई। बाकी ऑल दो क्यूब शिफ्टर की बात करूँ भाई तो मज़ा ही आ गया भाई, क्या अप शिफ्ट में क्या मारती है बाइक, ढाक ढाक। ओ हो, फ्यूल लोडी। चलो भाई अब क्या कर रहा था भाई, R15M को लेकर भाई। देखो भाई गाड़ी अगर जो बंदा 155 सीसी में जाना चाहता है ना भाई, इससे अच्छी बाइक कोई आपको नहीं मिलेगा। इससे अच्छी बाइक एग्रेसिव पोर्शन में अगर कोई जाना चाहता है तो पावर भी आपको उसी तरह मिलेगा। बट मैं दो आदमी से था, टेस्ट राइड कर रहा था तो पता है ना भाई, ज़्यादा गाड़ी को मैं पावर नहीं दे रहा था। पीछे वाले भाई अब मेरे कमर पकड़ ले रहे थे, उनको लग रहा था उनको चलाने शायद नहीं आता है। भाई आपको क्या पता है ये बंदा कहाँ कहाँ गाड़ी चला चुका है भाई, कौन कौन सी बाइक। 390 की जब जोत चुका हूँ भाई, तो ये R15 क्या है भाई, क्या खेत की मूली है। ये सब कुछ मेरे को बाइक में अच्छा लगा, ऑल दो बाइक मस्त है भाई, बट कहीं ना कहीं थोड़ा एक चीज़ को लेकर मैं भी डिसअपॉइंट हूँ, थोड़ा दाम इसका ज़्यादा लग रहा है भाई, 2,20,000। अरे 1,90,000 रहता, 95,000 रहता, 2 तक भी रहता ना भाई तो ठीक था, ये 20,000 क्यों बढ़ा दिया भाई, पता नहीं यार। इधर हमेशा रहेगा भाई, इधर तो मामूल हो गया भाई, पुलिस 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 पकड़ मत लेना भाई, ऐसे मोटर ब्लॉगर के साथ पुलिस वाले से बहुत रहते हैं भाई, बहुत पीछे पड़े हुए रहते हैं, पता नहीं क्यों भाई, मोटर ब्लॉगर को देखना नहीं चाहते पुलिस लोग। ऐसी बात नहीं, मैं मजाक कर रहा था। बहुत सारे पुलिस जो होते वो भी काफ़ी अच्छे होते, ऐसा नहीं है भाई, लेकिन कुछ कुछ पुलिस वाले जो ना भाई दादागिरी करते हैं भाई। बे हट जा भाई, क्या यार ये देखो, अभी ये सर देख रहे थे, कुछ बोले नहीं बोले, ये भी देखो। बट कितने पुलिस वाले भाई दादागिरी करते हैं भाई बिना मतलब का यार। देखने में टॉप नोच है, क्वालिटी टॉप नोच है बाइक का, कंट्रोलिंग भी मेरे को सही लगा है भी, मैं तो ज़्यादा राइड नहीं किया हूँ। 155 सीसी के हिसाब से इतना चार्ज करती है ना भाई प्राइस, लो का लेने से पहले भाई इतना मतलब कमर टूट जाता है भाई। 155 सीसी की बाइक 2,10,000-20,000, माइलेज अच्छा देती है, मेंटेनेंस इसका कम है, इस कारण से भाई, इस कारण से लोग यहाँ पे भागते हैं। ये देखो मामूल भाई लाठी चार्ज कर रहे भाई, बच गया तेरा भाई। भाई देखते हैं ना भाई, बंदा लोग प्रॉपर हेलमेट में है भाई तो किस तरह पकड़े के मामूल। ग्लव्स तो आज नहीं है बट कोई नहीं, हेलमेट एंड शूज़ देखो भाई, सब कुछ ऑलरेडी सेट रहता है हमारा, तो किस तरह पकड़ेंगे मामू भाई। कोई सी नहीं भाई, चलान काट ही नहीं सकती हो आप, क्या कर रहे हो भाई। ये साले ऑटो वाले लोग सुधरेंगे नहीं साले लोग, तभी तो इतना मार खाते लोग यार। समझते बाप की रोड पर घुसा तो ना आगे देखेगा ना पीछे देखेगा, दिमाग ख़राब करता है लोग यार। आप लोग कमेंट करना कि यामाहा की बाइक लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, आप लोग जरूर कमेंट करना, कमेंट सेक्शन में आपका वेट रहेगा। इंस्टा पे फॉलो नहीं करता कर लेना आप लोग इंस्टा पे फॉलो अपने भाई को, कौन सी बाइक यामाहा की लेनी चाहिए आप सजेस्ट कर सकते हो, या फिर यामाहा के अलावा और कोई नई ब्रांड की कंपनी की कौन सी बाइक लेनी चाहिए मेरे को। जब तक लिए विश यू हेल्थ एंड विश यू हेल्थ, स्टे होम एंड स्टे सेफ। ओके चलो।